हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी भाई मैं आया हुआ था पासपोर्ट के लिए, जो मैंने अप्लाई किया था उसका आज मेरा अपॉइंटमेंट था। तो अपॉइंटमेंट में जो चीज़ें हुई वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो अंदर का कोई वीडियो नहीं मिलने वाला है। बाकी मैं अभी था भोपाल टीवी मॉल में, जहाँ पे पीएस के ऑफिस है। तो मैंने पीएस के ऑफिस में जो जो प्रोसेस थी वो सब कम्प्लीट कर ली है। तो सबसे पहले जब मैं पासपोर्ट ऑफिस गया तो पासपोर्ट ऑफिस में जो है एंट्री होते ही आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कोविड की वजह से अभी मैंडेटरी कर दिया है उन लोगों ने, तो आरोग्य सेतु ऐप दिखाया। मेरा ग्रीन में था आरोग्य सेतु ऐप, तो मैं अंदर एंट्री हुआ। अंदर एंट्री होने के बाद बैटिंग हॉल में बैठा तो वहाँ डिस्प्ले पर मेरा नंबर आया, जो कि यहाँ ये लोग फॉर्म के ऊपर लिख के देते हैं, शायद दिख रहा होगा इधर। तो ये नंबर डिस्प्ले हुआ और मैं अंदर गया, वहाँ मेरा फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद सेकंड स्टेप था जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स रीचेक किए गए, जिनमें एक था मेरा आधार कार्ड, एक थी मेरी 10th की मार्कशीट, ये देखा गया। उसके बाद थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप में जो सर बैठे थे उन्होंने मेरा मार्कशीट लिया और अपने पीसी के ऊपर रीचेक किया। मुझे ऐसा लगा कि वो रीचेक होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं, यानी कि मार्कशीट की कोई ऑफिशियल वेबसाइट होगी जहाँ पे वो लोग चेक करते होंगे कि ये मार्कशीट जो है ओरिजिनल है या नहीं, ऐसा मुझे लगा। बाकी वो क्या प्रोसेस था ये नहीं जानता। ये प्रोसेस भी ईजिली हो गया और प्रोसेस के बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद सेकेंड स्टेप था मेरा पुलिस वेरिफिकेशन का। सो गाइस, अभी मैं आ चुका था थाना, और पीछे दिख रहा है क्या कहीं, ये दिख रहा होगा। और यहाँ पर मेरा जो है पुलिस वेरिफिकेशन था। मुझे अपॉइंटमेंट के बाद अभी 7 दिन हो गए हैं। 26 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट था और आज हो गया है 3 नवंबर, तो 7 दिन हो गए, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। तो मैं खुद ही थाने आ गया था कि भाई जाके इंक्वायरी करता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मेरा फॉर्म जो है थाने में आ चुका है, लेकिन जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑफिसर हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है ड्यूटी पे, वो आते हैं रात को। तो मुझे बोला गया है आप घर जाओ, शाम को हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो आप मैं जा रहा हूँ घर और फिर आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। बाकी पासपोर्ट ऑफिस से तो बोला गया था आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, लेकिन ये मेरा भाई है साथ में और अभी 8-10 दिन हो गए शायद, 8-10 दिन पहले इनका पासपोर्ट बन के आ चुका है और इसी थाने से आया है। तो इनको अंडर द टेबल 200 रुपीज़ देने पड़े थे, राइट राइट। तो अभी देखते हैं मेरे साथ क्या सीन होता है और उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। आज है 14 तारीख, आज दीपावली है और मेरा जो पासपोर्ट के लिए फॉर्म था वो 26 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट था, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में मेरा वेरिफिकेशन होना था, तो मैं 4 नवंबर को आया था लेकिन मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मुझे बोला गया था कि आप घर जाइए और आपको शाम तक बुला लिया जाएगा, लेकिन शाम तक नहीं बुलाया। आज है 14 तारीख और दीपावली है आज, तो आज मुझे कॉल आया कि आप अपने पापा को लेके आइए और आप खुद आइए और थाने आइए। तो मैं अभी आ चुका हूँ थाने, भाई वो देखोगे उधर पीछे थाना है। तो अभी मुझे बोला कि भाई डॉक्यूमेंट जो है आधार और की फ़ोटो कॉपी लेके आनी है, तो वो अभी मैंने बाहर से करा ली है और अभी जा रहा हूँ वापस से अंदर और आपको दिखाता हूँ सीन। अंदर तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा और अभी क्या होने वाला है वो आपको बताऊँगा। तो भाई थाने से आने के बाद जब मैं अंदर गया तो मुझे किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग वगैरह वहाँ अंदर करने नहीं दी। वैसे भी मैं करना भी नहीं चाह रहा था, कि कोई भी रूल्स में नहीं तोड़ना चाह रहा था, तो अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और जिनका मुझे कॉल आया था वो मुझे अंदर मिले और उनके पास मेरा फॉर्म रखा हुआ था, उनने बोला इस पे सिग्नेचर कर दो, आप लोकेश हो, आपके पापा ये हैं। तो पापा भी मेरे सामने खड़े थे तो उनने भी उन्हें बताया कि हाँ मैं हूँ, और मैंने सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करने के बाद मुझे बोला गया जो फीस लगता बनता है वो दे दो और जाओ। मैंने कहा पासपोर्ट ऑफिस से मुझे बोला गया कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी फीस नहीं देना है, तो उनने बोला कि ठीक है बहस मत करो, जाओ जो है मैं देख लूँगा तुम्हारा फॉर्म। मैंने कहा ठीक है सर, जल्दी सबमिट करा देना, मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली दुबई जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करा दूँगा जाओ। तो मेरा 14 नवंबर को जो है फॉर्म सबमिट हुआ था, दीपावली का दिन था, और आज 20 नवंबर है, अभी तक मेरा फॉर्म जो है आगे नहीं भेजा गया, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस नहीं भेजा गया। और साथ ही मेरे पास एक ये पासपोर्ट पड़ा हुआ है, ये मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट है जिसके लिए मैंने ही अप्लाई किया था, और उसका जब पुलिस वेरिफिकेशन था वो पुलिस वेरिफिकेशन पे गया और उससे 200 रुपये रिश्वत ली थी। तो उसका अगले ही दिन पासपोर्ट प्रिंट होने चला गया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट प्रिंट होने नहीं गया है, जो है क्लियर बता रहा हूँ। और मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है कि थाने में ऐसी धांधलीबाजी चलती है,
तो लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया। तो जो है अपन क्लियर बता रहे लाए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, पासवर्ड ऑफिस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में आपका लगने वाला है, क्योंकि मेरा 6 दिन हो गया भाई पासपोर्ट का जो है अभी तक प्रिंट पे नहीं गया, और 1-2 दिन और नहीं जाता है तो मैं सीधा थाने में जाके बात करूंगा या फिर पासपोर्ट ऑफिस जाके इनकी कंप्लेंट करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक ठोक दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है या सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें।